वो कौन सा केबल लगा रहा है, वो इधर इधर लगा रहा है या इधर लगा रहा है, चेक कर लो। तो फालतू का दो चक्कर लग गया मेरा इधर, उसके बेवकूफी की वजह से सही से वो केबल लगाया नहीं था कंप्यूटर में। तो देखो दोस्तों, इरफान क्या क्या मंगाया है ऑनलाइन और वो पैकेट में आया है। बाकी ये चश्मा, चार सामान मंगाया। हाँ, ये चश्मा है और ये घड़ी है और ये ब्लूटूथ है। ये ब्लूटूथ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी ये जो सीने वाला बैग है। हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं रूम पे अपने लेट के मोबाइल देख ही रहा था, तब तक कोई इरफान फ़ोन करके बुला रहा कि आओ चलो मेरे रूम पे, मैं थोड़ा पेप्सी वगैरह लिया हूँ। और बोल रहा है कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया है, जैसे कि ये ब्लूटूथ और पता नहीं क्या क्या मंगाया है, तो वही दिखाने के लिए बुला रहा है। तो चलो चल के देखते हैं क्या क्या मंगाया है। अभी इरफान आ रहा है तो अभी यहीं पर बैठ जाएंगे उसके गाड़ी में। देख रहे हो दोस्तों, इरफान ने भी मंगाया है ये अपना नेक ब्लूटूथ, पता नहीं, और मेरे से ज़्यादा का पैसे का मंगा लिया है। इसमें देखो मेमोरी भी लगता है और सी टाइप है और डिस्प्ले सो होगा भी। क्या दबाएं, ये किधर गया, ये वाला है ना, ये कहाँ दिख रहा है, वैसे तो इसमें दिखेगा ना। अच्छा देखो डिस्प्ले है और कितने घंटे चलता है, उसने क्लेम किया है 7 घंटे चलेगा, अरे 7 दिन, 7 चार्ज किए हुए 7 दिन। तो 89 पॉइंट पे, हाँ मैंने लिया, अगर मैं ऑन किया हूँ तो 89 पॉइंट पे था। अच्छा अब देखते हैं इसको। कितने का लिए थे, अरे प्राइस नहीं बता, प्राइस बता दो हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, जल्दी बताओ। 50 रियाल में, तो 50 रियाल में ये ऑनलाइन आया है। और आजकल ये सब कंपनी निकली है लोग की, बिना नाम का कंपनी निकली कोई भी नाम नहीं रह रहा, देख रहे हो नाम नहीं भाई, सब चाइना का है। सब चाइना, हाँ अब मेरे पे भी वही है, कोई नाम नहीं है देखो। तो देखो दोस्तों, इरफान क्या क्या मंगाया है ऑनलाइन और वो पैकेट में आया है। बाकी ये चश्मा, चार सामान मंगाया। हाँ, ये चश्मा है और ये घड़ी है और ये ब्लूटूथ है। ये ब्लूटूथ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी ये जो सीने वाला बैग है, और इसको रख देता हूँ, ये बेबी का चश्मा, मैं अपने औरत को मंगाया। अच्छा लेडीज है ना। हाँ हाँ, ये भी लेडीज के लिए, नहीं ये मेरा। अच्छा, ये जो कंधे पे लटकाते हैं ये उसके लिए अपना सामान रखो, छोटा बैग। देखते हो कि कहीं पे भी जाना पड़ता है तो वो बड़ा सा पीठ पे लाद के ले जाने से अच्छा ये ले लो छोटा सा अपना मोबाइल पर्स के लिए। बाकी घड़ी देखो क्या बेस्ट है, ये घड़ी कितने का पड़ा भाई, अभी बताऊंगा तो चौंक जाएगा, यकीन नहीं करेगा कितने का है, चारों एक साथ मंगाया ना। हाँ इरफान बोलता है मैं यकीन नहीं करूँगा, कैसे पूरा टोटल बता दो चारों का, पूरा टोटल बता दो। हाँ 35। हाँ से झूठ झूठ नहीं बोला दोस्तों, देख लो कितना धोखा देता है अपने ही पार्टनर होकर, अपने लिए चीजें मंगा लेता है और हमें फ्रॉड होने देता है हमें भाई। तो देखो मैंने घड़ी मंगाया है, ये घड़ी फ्री में मिला है, 3 सामान मैंने तो पैसा लिया है, एक ब्लूटूथ का लिया है पैसा और एक बैग का और एक चश्मे का, उसके साथ चौथा जो है ये फ्री मिला है, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी इस घड़ी का है जो फ्री मिला है, इसमें डेट और सब है और ये जो पट्टा है प्योर लेदर का, बहुत मजा आ रहा है। ये पूरा टोटल 35 रियाल बताओ, मेरा सिर्फ एक ब्लूटूथ चला है। मैं सोचा ब्लूटूथ मंगाने के लिए ब्लूटूथ मंगा लूँ, तो फिर सोचा मार्केट में जाऊँगा कोई 70 बोलता है, कम करके 60 में देता, 50 में देता है, देखा तो ये जो है मैं बोला कि अभी इसी से 35 रियाल मंगाएगा, अगर उसमें से एक भी सामान खराब रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, तो सबका सब सही निकला और सब एक नंबर का है भाई। वो बैग ही लेने जाएगा तो अभी ये वाला बैग लेने जाओगे आप, सादा जो बैग होता है कमर में तो 10 रियाल का मिलता है, ये कम से कम 20 रियाल से कम नहीं मिलेगा ये क्वालिटी का बैग। और ये घड़ी तो हमें लग रहा है ये भी घड़ी 25-20 रियाल का मान लो अगर कम में मिलेगा, और 70-80-150 बोलते हैं, लेकिन फिर भी भाई बहुत फायदा, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अब यकीन नहीं करो कितना सामान 35 में मिलेगा। इरफान मंगाता रहता है अपना, पिछली बार मैंने दिखाया था ये माइक भी मंगाया था $1 का
$1 $7 में पूरा पहुंचा दिए थे यहाँ पे। बाकी स्टैंड भी मंगाया है, बहुत ही ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है, ये चेक करता रहता है, जैसे ही ऑफर चलता है ऐसे ही ये ऑर्डर कर देता है। अब मेरे को जरूरत था, ऑफर उस समय नहीं चल रहा था, मैं मजबूरी में ऑर्डर कर दिया। अब देखो अब ऑफर निकला है तो ऑर्डर करके मंगा लिया अपना। तो देखो पहले इरफान सामान मंगा के जलाता है, और जब जल जाती है तो फिर ठंडा पिलाता है कि ठंडा हो जाए। तो देख लो दोस्तों कितनी प्यारी बिल्ली है ये, देखो भाग रही है। तो दोस्तों अभी आया था मैं सिराज के दुकान पे, अपना दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह सेट करवा लिया मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे नहा लूँगा और बाकी इंतजार करेंगे और ड्यूटी का। देखो इधर हुक्का का दुकान खुल गया है, देखो वो अबू का दुकान, उसके बगल में जो दुकान बन रहा था ये हुक्का वगैरह का दुकान है जो कि खुला है। तो अभी मैं रूम में था तो नियाज भाई इधर आए हैं तो फ़ोन करके बुलाए हैं। तो अभी नियाज आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि दूध लो, चलो चाय बना के पीते हैं। तो अब फिर से उधर जाना पड़ेगा, ये लेते हैं लूना का, ये तो 3.5 रियल का है, 3 रियल वाला किधर है, ये रहा। तो ये ले रहा हूँ मैं 3 रियल का पुक, इसको अरबी लोग बोलते हैं बुक, क्योंकि वो पको ब बोलते हैं, पी को भी बोलते हैं लोग, पार्किंग को बार्किंग बोलेंगे, पुक को बुक बोलेंगे, ऐसे ही। तो पिछली बार हम लोग ये लूना का लेके गए थे तो 3 रियल का मिला था, अभी 3.5 रियल का हो गया, देख रहे हो। तो देखो अपना नियाज भाई इधर ही आते हैं अपना सारा खरीदारी करने। ये रहते हैं उधर बकरी मंडी में, यहाँ से बहुत ही दूर है, बकरी मंडी में चले गए जहाँ पे मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, उधर बहुत ही आउटसाइड में है तो उधर कभी जाना होता ही नहीं है, तो उधर के मैं ब्लॉग बना के मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि कहाँ पे मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। तो देखो दोस्तों यही होता है हाउस ड्राइवरी में, अच्छा खासा खुश हो के वहाँ से दूध खरीद के अभी हम लोग जा ही रहे थे रूम पे, तब तक ये कफिल की वाइफ का फोन आ गया, तालबेत घर पे आओ, पता नहीं क्या ड्यूटी है, कहाँ जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं, मोबाइल का चार्जर ले लेता हूँ क्योंकि इसका बैटरी डाउन है 30% या कहीं दूर ले जाके अगर रुकवा ली तो चुपचाप मुँह लटका के बैठा रहूँगा, ना वीडियो बनेगा ना कोई वीडियो देख पाऊँगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या ड्यूटी है। तो चार्जर ले लिया, थोड़ा पानी पी लिया, बाकी अब मैं निकल रहा हूँ। तो दोस्तों 7:46 हो रहा है, मैं इधर आ गया कपिल के घर के बाहर आके खड़ा हो गया हूँ मैं। तो देखो अपना चार्जिंग लगा लिया हूँ मैं, इधर लगता है इधर अंदर में, देखो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आके फिर अपना मोबाइल चार्ज में लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये कफिल के भाई का घर है और साथ में कफिल की वाइफ की बहन का भी घर है, जो कि उसकी बहन ने शादी किया है कफिल के भाई से, तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे बस छोड़ना था, और ये खाना दी है मुझे, खाना दे दी और बाकी बोली कि तुम चले जाओ, रात को अगर कोई मुझे लेने नहीं आएगा तो तुमको बुलाऊंगी, और अगर कोई आ गया लेने के लिए तो नहीं बुलाऊंगी। और बाकी कफिल ने दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर के दुकान पे, तो उसने मुझे ये दिया है पर्ची, बोला कि वो जाके कंप्यूटर लेकर आओ। तो वो कंप्यूटर उधर है, वो जिधर मैं वो हॉस्पिटल वाली मैडम को हॉस्पिटल में छोड़ने जाता हूँ, तो चलो वहाँ पे चलते हैं अपना कंप्यूटर लेकर कफिल के घर पे पहुँचा देते हैं। बाकी रूम पे चल के यही अपना खाना खाऊंगा मैं। और देखो ये भी कफिल के भाई का ही घर है, जो कि मैं आया था उस दिन दिया था वो पतीला दूध वाला। अगर कफिल ने वो कंप्यूटर वाला काम नहीं बताया होता तो मैं लूलू में जाता यहाँ से, मेरा चावल ख़त्म होने ही वाला है, तो चावल की बोरी मुझे 10 किलो ही ले लेना चाहिए था उस दिन, 2 बोरी ले लेना चाहिए था, एक ही लेके रह गया मैं। तो अभी लेट हो जाएगा तो बोलेगा कि कैसे लेट हो गया कंप्यूटर लाने में। तो चलो अभी कंप्यूटर के दुकान पर सीधे चलते हैं। तो दोस्तों आ गया मैं इधर ये कंप्यूटर के दुकान में, चलो चल के कंप्यूटर ले लेते हैं, ये पर्ची दिखाकर। देखो ये मस्जिद,
ये यहाँ पे यही कोने वाला है। तो देखो ये लिखा हुआ है हासिब, और ये रहा हासिब। तो चलो चलते हैं अंदर। तो ये पीसी है देखो डेल का, तो रिपेयरिंग करने के लिए दिया था, अभी बन चुका है। तो चलो अभी पहुंचा देते हैं इसको कफिल के घर पे। तो आ गया मैं कफिल के घर की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं इधर अपने रूम की तरफ आया ही था, तब तक कफिल बुला रहे फिर से। तो अभी जाके वहाँ अपने पार्किंग में खड़ा हुआ ही था, देखो अभी पूरा खाना वगैरह इधर ही है, तब तक फ़ोन कर दिया कफिल ने। पता नहीं क्या मुश्किल हो गया, क्या ड्यूटी आ गया है, वहाँ जाके पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये लगाया था कफिल, तो काम नहीं कर रहा, बस वो एक पिक्चर आ रहा है बस। तो इसको फिर से लेके जाना पड़ेगा उसी दुकान पे और सही करवा के लाना पड़ेगा। तो देख रहे हो दोस्तों, डबल चक्कर मारना पड़ रहा है और चार्ज खत्म हो ही गया बिल्कुल। अगर ये केबल लेकर नहीं आया होता मैं, तो यही अपना सोचता रहता क्या मोबाइल ना बंद हो जाए। तो दोस्तों आगे मैं दोबारा से, 9:30 हो रहा है रात का। नहीं वही आ रहा है, हाँ तो ऑन हो गया ना। वो कौन सा केबल लगा रहा है, वो इधर इधर लगा रहा है या इधर लगा रहा है, चेक कर लो। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि ये सही है, वो केबल सही से नहीं लगाया था, इसीलिए वो प्रॉब्लम हुआ है। तो चलो अब चलते हैं फिर से। तो फालतू का 2 चक्कर लग गया मेरा इधर, उसके बेवकूफ़ी की वजह से सही से वो केबल लगाया नहीं था कंप्यूटर में। बाकी अब फिर वहाँ ले चलो, अब पहुँचाओ कफिल के घर पे। तो दोस्तों देख रहे हो 10:30 इधर ही बज गया कफिल के घर पे ही, वो कंप्यूटर के चक्कर में वो खड़ा करके मेरे इमो से वीडियो कॉल करके सब सेटिंग हो रहा था, उसके वजह से। अब चलो रूम पे चलता हूँ मैं। तो दोस्तों आओ मैं आप लोगों को खाना दिखा दे रहा हूँ, क्या मिला था मुझे। अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, डी लिया था मैंने। ये है, तो ये खाना निकाल लिया मैं। ये चावल है, मुर्गी है, बाकी ये ऊँट का गोश है देखो, तो ये सब है। बाकी चलो मैं अभी खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो।